Good morning, guys. Yesterday I had told you, narrated the story of this millstone by Margaret Drabble. Now let us see the critical appreciation. Okay, so the introduction: in the modern literary tradition starting in the 1950s, there is a clear break with earlier traditions to hush up certain aspects of women's life and experiences. तो मॉडर्न लिटरेसी में 1950s में क्या हुआ है, एक ब्रेक मिला उनको कि ट्रेडिशन को और वुमेन के लाइफ और एक्सपीरियंस को बता सके. तो मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशन यही काम किया है उसने. इन मॉडर्न लिटरेचर हाउएवर एंड एस्पेशली आफ्टर द वुमेन्स मूवमेंट गॉट अंडर वे इन द 1960, इट वॉज एंड इज परमिसिबल टू राइट अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ. तो लिटरेचर है ना, स्पेशली वुमेन मूवमेंट शुरू हुआ 1960s में, जिसके वजह से एक पूरा मुद्दा बना कि वुमेन के लाइफ के बारे में लिखा जाए. एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एंड द रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज कैरियर एंड रिलेशनशिप्स आर एक्सप्लोर्ड बाय वुमेन राइटर्स. तो इसमें क्या बताया गया, चाइल्ड बेयरिंग, कैसे बच्चे को पैदा करना यानी प्रेगनेंसी का हो गया, फिर पालना बच्चे को, उसका कैरियर, उसका रिलेशनशिप, और ये सब कुछ है ना वुमेन राइटर्स ने बताया. और ये भी ध्यान दिया कि द एक्सपीरियंस एंड डिलेमास दैट मैनी वुमेन फेस टुडे. और ये भी बताया कि उस वक्त में जो बताया था ना, ये लगभग 55 साल पहले लिखा हुआ था नावल. तो फिर उस वक्त जो डिलेमा या डिलेमा माने द्वंद यानी उलझन, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, तो वो चीज़ बोला आज भी वो रेफर करता है. तो आज के दौर में भी वो सेम है, वैसी चीज़ उसको इन ऐसे सभी विषयों पर बात की गई है. We value and are allowed to in all the gory details of pregnancy, birth, nursing and sex. तो इन ये जो भी मुद्दे हैं जो आपको बताया गया, प्रेगनेंसी, बर्थ, नर्सिंग, सेक्स, इन सब के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया. मार्गरेट ड्रैबल started writing in this period alongside other distinguished women writers such as Doris Lessing, Edna O'Brien, Iris Murdoch and A.S. Byatt. तो इसके कॉन्टेम्प्रेरी जो राइटर्स थे उनके नाम है ये. नाउ ड्रैबल डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ मॉडर्न इंग्लैंड एंड स्पेशली द कंडीशंस ऑफ वुमेन. तो ड्रैबल ने किस पे ध्यान दिया है, उसे मॉडर्न इंग्लैंड के ऊपर ध्यान दिया है और स्पेसिफिकली कंडीशन जो औरतों की जो कंडीशन थी उस पर जरूर ध्यान देते हुए लिखा है. इसके काफ़ी ऐसे नॉवल्स हैं. हर नॉवल्स आर ए फिक्शनल हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लाइफ. दे फॉर्म ए क्रोनोलॉजी दैट मूव्स फ्रॉम यंग वुमेन एंड यंग मदर्स इन देयर अर्ली 20s टू मेच्योर सक्सेसफुल एंड वर्ल्डली वुमेन इन देयर 50s. तो कैसे उसके फिक्शन स्टोरीज हैं उसके सारे, यानी काल्पनिक, औरतों की लाइफ्स के बारे में हैं और वो क्रोनोलॉजिकली चलते हैं यानी ऑर्डर में. तो कैसे शुरू होता है, यंग वुमेन से शुरू होता है, फिर वो यंग मदर बनती हैं, तो अर्ली 20s में जो मेच्योरिटी आती है उनमें, फिर वो सक्सेसफुल बनती हैं, फिर बाद में औरतें जो 50s की होती हैं उन पर भी ध्यान देते हुए लिखा है. सो साइकिल बताया है, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से गए हैं. क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जाना, यानी पहले जवानी, फिर बुढ़ापा, माँ की तरफ, फिर शादी बन के जो माँ बनती है, माँ बनने के बाद कामकाज हो गया, फिर बाद में वो जो ओल्ड एज होती है, तो ऐसे ऑर्डरली चलना. सक्सेसफुल एंड वर्ल्डली वुमेन इन देयर 50s. ओके, ड्रैबल इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ नॉवलिस्ट ऑफ मेटर्निटी. ये ध्यान रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ज़रूर, नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न. ओके, मुझे इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद कर लें. और नॉवलिस्ट ऑफ मैटरनिटी का बोलना है क्योंकि फीमेल की प्रेगनेंसी के ऊपर लिखा हुआ, बेबी बर्थ के बारे में बताया गया है, स्पेशली ये जो नॉवल है आपका. बाय मैनी क्रिटिक्स टू इंडिकेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ अ नॉवल. तो कह रहे हैं काफ़ी लोगों ने ये बात कही है, नॉवलिस्ट ऑफ मैटरनिटी बोला है, क्योंकि उसके लगभग काफ़ी थीम, नॉवल्स की जो थीम होती है हमेशा यही रहता है. Drabble's writing in the 1960s and 1970s takes up themes that explore the complexities of the lives of modern educated women. तो Drabble's जिसने लिखा था 1960s और 70s में, उनके थीम ज़्यादातर एक्सप्लोर क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, जो वेराइटी थी उनके वुमेन के, एजुकेटेड वुमेन का, एज ए मदरहुड, लोनलीनेस, माँ बनी, अकेलापन, अगर अकेली बच्चे को पाल रही है, longing माने ख्वाहिश रखना, लव, कैरियर एंड प्लेजर, तो ये सारी चीज़ें उसकी ख्वाहिशें होती हैं. थीम्स दैट आर स्टिल टॉपिकल टुडे, और ऐसे ऐसे थीम जो आज भी रेफर होते हैं आजकल की जनरेशन में. द थ्री नॉवल्स डिस्कस्ड इन दिस एसे ऑल शो वुमेन हु ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल फॉर वुमेन इन सोसाइटी.
जो तीन नावल इसमें डिस्कस किया हुआ है, उन तीनों नावल में यही बताया है उन्होंने कि कैसे वुमेन है ना पूरा ट्रेडिशन को ब्रेक कर देती है, सोसाइटी के खिलाफ चलती है बाई फोकसिंग ऑन हर हीरोइंस प्रॉब्लम। तो सिर्फ लड़की के प्रॉब्लम के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, जो हीरोइन है उसके नावल के, उसके प्रॉब्लम के ऊपर बात की है। ड्राबिल शोज हाउ वुमेन कैन एक्ट इन ए सोसाइटी दैट इज़ चेंजिंग। तो कहते हैं कि ड्राबिल कैसे अपने आप को औरत है ना आधार बना लेती है या फिर ढल जाती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, बोथ विद रिगार्ड्स टू द एज ऑफ हर प्रोटोगोनिस्ट एंड द स्टेजेस इन लाइफ दे पास थ्रू, देयर इज़ ए क्लियर कोकरेंस विद डाबल्स ओन लाइफ। तो कह रहे हैं कि कैरेक्टर जो डाबल बताया है ना डाबल ने, तो वो अपने साथ वो रेफर कर रही है उस कैरेक्टर को। तो प्रोटोगोनिस्ट जो है इस नावल की, उसके साथ उसने ये बताया है कि अपने आप को रेफर कर रही है थ्रू आउट द नावल, ये पूरा क्लियरली पता लगता है। एज अ हीरोइन प्रोग्रेस थ्रू लाइफ सम वॉट इन द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डंग्स रोमन एट द सेम पेस एज द ऑथरेस हरसेल्फ। तो कैसे एक ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग्स रोमन का मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे बोलते हैं ना, यानी कैसे धीरे धीरे औरत अपने आप को स्ट्रांग बनाती है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस बना के इसे लिखा है हमेशा। ठीक है, मार्गरेट ड्राबल इज़ नॉट एन आर्डेंट फेमिनिस्ट और ए राइटर ऑफ फीमेल एक्सपेरिमेंटल नॉवल्स। तो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे फेमिनिस्टमिज्म पे भी नहीं लिखती है पूरी तरह से ये और ए राइटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉवल्स, या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नॉवल्स लिखती है। इन मैनी वेज शी कंटिन्यूज द विक्टोरियन ट्रेडिशन इन हर स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड हर एम्फेसिस ऑन द एवरी डे डिटेल्स ऑफ हर हीरोइंस लाइफ। तो कह रहे विक्टोरियन ट्रेडिशन को उसने अडॉप्ट किया अपने राइटिंग्स में, और पूरा डिटेल्स को जो हीरोइन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कैसे गुजरती है वो सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है। तो आज जो हम ये पढ़ रहे हैं नॉवल, इसमें बहुत बारीकी से बताया कि कैसे अपना जैसे वो दूध पिला रही है बच्चों को, वो एक्सपीरियंस जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो कैसे महसूस कर रही है, वो बारीकी से एक एक दिन को इसने इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दीज एग्जाम्पल्स दी डिटेल फॉर द एग्जाम्पल द मैटरनल एक्सपीरियंस ऑफ रोजामंड स्टैनसे इन द मिल्कस्टोन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए आ गया ये कि मैटरनल जो रोजामंड स्टैनसे है कैसे अपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता रही है, एंड होल्डिंग ए बेबी इन वन आर्म, जैसे वो मैंने कहा था कि हॉस्पिटल में वो एक मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को गोद में लेती है ना। तो ये सब चीज़ें वो एक वॉइस दिया उसने, एक फीमेल का वॉइस दिया है यहाँ पर, लाइक होल्डिंग ए बेबी इन वन आर्म, और जेन ग्रे इन द थ्रोज ऑफ हर फर्स्ट ऑर्गाज्म गेव वॉइस टू द फीमेल एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड हर नॉवल्स विद ए वेरी ऑब्वियस सेंस ऑफ रियलिटी। तो जेन ग्रे जो है कैसे बताया है ऑर्गेज्म यानी अट्रैक्शन के बारे में लिखा है, तो वैसे एक फीमेल का जो वॉइस है एक्सपीरियंस का, एक वॉइस बन के इन्होंने निकाला है और नॉवेल्स के ऊपर, नॉवेल में इन्होंने अपनी सेंस ऑफ रियलिटी को एक्सप्रेस किया है। यहाँ तक मैं स्टॉप कर रही हूँ बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया कुछ देखिएगा बताइएगा ज़रूर मुझे। ओके।